आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत सेंटर्स का इजलास हॉर्स ट्रेडिंग जीत गई है। आपको यहाँ हम खबर दे रहे हैं, इजलास में हॉर्स ट्रेडिंग जीत गई। मियां शहबाज शरीफ जमहूरियत के वक्कार को एक बार फिर मजरू किया सदर मुस्लिम लीग नून। ये सिर्फ ऑपोजिशन का नुकसान नहीं हुआ, शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की वजूहात तलाश करें। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो होम मिनिस्टर्स इनक्लेव में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर जारी है, जिसमें कल जो सेनेट में जो इलेक्शन के बाद जो अपसेट देखना पड़ा है अपोजिशन को, उस हवाले से जो है वो गौर खोज किया जा रहा है कि आखिर कौन वो 14 लोग थे जिन्होंने पॉलिसी से इनहराफ किया और हुकूमत को वोट दिए। इस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत जो है एहसन इकबाल, सेनेटर आसिफ करमानी, खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ में मुस्लिम नून के तमाम सेनेटर जो हैं इस इजलास में मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ की जानिब कहा जा रहा है कि हर हाल में उन सेनेटर्स को तलाश किया जाएगा जिन्होंने पार्टी पॉलिसी इनहराफ किया और जमहूरियत के जो है वो खिलाफ जो है वो ये इकदाम में हुकूमत को सपोर्ट करते हुए जो है वोट जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया है। और इस पर जो है काफ़ी तशवीश भी पाई जा रही है शहबाज शरीफ को और तकरीबन तमाम जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं उनमें कल से जो है वो एक खासी तशवीश है कि आखिर कौन वो सेनेटर हैं जिन्हें आखिरी लम्हे पे जो है वो पार्टी का साथ छोड़ा और जो है वो पार्टी के खिलाफ जो है वोट दिया। और उनका ये भी कहना है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन सेनेटर्स ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया और हुकूमती जो है वो उम्मीदवार को वोट दिया है। अभी इस इजलास की मजीद जो है तफसीलात आ रही हैं और इस पार इजलास में ये भी गौर किया जा रहा है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दिया जाएगा और हुकूमत को अब जो है वो बिल्कुल हुकूमत के लिए जो है वो कोई भी रास्ता खाली नहीं छोड़ा जाएगा कि हुकूमत को आसानी से जो है अपोजिशन की जानिब से भरपूर मुजामत का सामना भी करना पड़ेगा हुकूमत को। ये इजलास की अंदरूनी कहानी अभी इजलास जारी है, देखते हैं कुछ देर में मजीद तफसीलात क्या आती हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।